क्या पीसीबी से झगड़े के चक्कर में इमाद वसीम ने गलती कर दी? क्या इमाद वसीम के साथ गलत हूं क्या कि उन्हें रिटायरमेंट लेनी पड़ी? दरअसल ये सवाल सब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इमाद वसीम पीएसएल के अंदर कमाल की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। टी20 फॉर्मेट है और इसी साल टी20 वर्ल्ड कप भी है। वो टी20 वर्ल्ड कप जो कि पाकिस्तान भी खेलेगा, तो ऐसे में एक मजबूत टीम उसे भी चाहिए। एक ऑलराउंडर के रिक्वायरमेंट किस टीम को नहीं होती? इमाद वसीम जैसा प्लेयर जो कि आपको आखिरी ओवर में मैच जिता के देता है, इमाद वसीम जैसा बॉलर, वो स्पिनर जो कि आपको डेड पिच पे भी टर्न करा के देता है, इमाद वसीम जैसा बॉलर जो कि आपको पावर प्ले में बॉलिंग देता है, मिडल ओवर्स में बॉलिंग देता है, डेथ में बॉलिंग देता है, ऐसा बॉलर, ऐसा ऑलराउंडर किसको नहीं चाहिए? तभी तो सवाल मेरे मन में आया कि क्या इमाद वसीम ने गलत कर दिया, क्या इमाद वसीम के साथ गलत हुआ? दोनों में से एक सवाल तो जायज है। अब इमाद वसीम का आज का मुकाबला देखिए, एक एलिमिनेटर मुकाबला जहां पर मैदान इतना बड़ा था कि आपको अलग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करना था। तभी तो उन्होंने पहले 3 ओवर में 9 रन देके 3 विकेट चटका दिए, 3 विकेट तो 2.5 ओवर में ले लिए थे। उसके बाद जो ओवरऑल स्पेल रहा, 4 ओवर महज 12 रन और 3 विकेट चटकाए। जब इसके बाद सिर्फ एक मैच की कहानी होती तो शायद इतनी बड़ी नहीं बनती। इससे पिछले मैच आप याद कीजिए, 13 बॉल 30 रन, आखिरी 2 बॉल पर 7 रन चाहिए थे। लड़के ने छक्का लगाया, फिर चौका लगाया, अब्बास अफरीदी की गेंद, मुल्तान सुल्तान वाला वो मुकाबला, 13 बॉल 30 रन के साथ ये बता दिया कि मुल्तान सुल्तान को हराने के लिए इस्लामाबाद का इमाद काफी है, इमाद वसीम। उससे पिछला मैच याद कीजिए, मुल्तान सुल्तान के बाद कराची किंग्स पे चाहिए, 4 ओवर 22 रन दिए थे, करीब 8 की। ऐसे में आप कहेंगे यार ऐसा बॉलर तो चाहिए चाहिए होता है, और 4 ओवर में 22 रन मुल्तान सुल्तान के खिलाफ दिए थे, इससे पहले कराची के खिलाफ 4 ओवर में 18 रन दिए थे, महज 4 ओवर महज 18 रन, करीब 5.5 की इकॉनमी, एक विकेट भी चटकाया था, और वो लड़का अब नहीं खेल रहा क्योंकि उसने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट क्यों ली थी? रिटायरमेंट लेने की कई सारी वजह थी। दरअसल जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा था तो उसके बाद कई सारे चेंजेस पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर आए थे। बाबर आजम की कैप्टनसी गई थी, इंजमामुल हक ने चीफ सिलेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था, फिर पीसीबी के अंदर बहुत सारे चेंजेस हुए थे, मोहम्मद हफीज क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पर आए थे और उन्होंने एक रूल बनाया था कि जो भी खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होंगे वो पीएसएल के अलावा सिर्फ 2 लीग खेल सकते हैं। जबकि आप इमाद वसीम की तरफ देखेंगे तो फिर वो बीबीएल से लेकर सीपीएल से लेकर बीपीएल तक सब खेलते हैं, तो ऐसे में उन्होंने रिटायरमेंट लेने की अनाउंसमेंट। भाई सीपीएल का रिकॉर्ड देखेंगे, टी20 फॉर्मेट में इमाद वसीम कमाल है ना, और फिर पीएसएल में अब वो कमाल कर रहे हैं। ऐसे में अगर वो रिटायरमेंट नहीं लेते तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा एसेट बन सकते थे टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, क्या तभी तो हुआ ना। वैसे अब हफीज नहीं है, उधर ज़ाका अशरफ भी नहीं है, मोहसिन नकवी नए चीफ है, ऐसे में हमें पाकिस्तान के इतिहास को देखेंगे तो कह सकते हैं कि रिटायरमेंट से वापस आना किसी खिलाड़ी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। तो क्या इमाद वसीम कमबैक करेंगे इस परफॉर्मेंस के बाद? क्या इमाद वसीम मैनेजमेंट अप्रोच करेगा इमाद वसीम को कि आप रिटायरमेंट से बाहर आइए? क्या वहाब रियाज जो कि अब नए चीफ सिलेक्टर हैं वो बात करेंगे इमाद वसीम से? क्या इमाद वसीम पाकिस्तान क्रिकेट और टी20 वर्ल्ड कप में नजर आएंगे? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।